नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स मास्टर पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। और हम लोग चैप्टर नंबर 17 से 19 करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 15 और 16 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव किए थे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 36 क्वेश्चन किया था, आज हम लोग 37 से शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है सत्य क्या है, ठीक है दोस्तों, सत्य क्या है ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है GNP इज इक्वल टू GDP प्लस घिसावट, सेकेंड है NNP इज इक्वल टू GNP प्लस घिसावट, थर्ड है NNP इज इक्वल टू NNP माइनस घिसावट। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। थर्ड ऑप्शन होगा आपका NNP इज इक्वल टू, ठीक है इसको थोड़ा सही करिएगा, ये आपका NNP इज इक्वल टू GDP माइनस घिसावट होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे NNP नहीं, यहाँ पे GDP है, ठीक है। तो GDP मान के बनाइएगा क्वेश्चन। अब चौथा ऑप्शन आपका GNP इज इक्वल टू NNP माइनस घिसावट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। क्या होगा NNP इज इक्वल टू GDP माइनस घिसावट होगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे N बीच में N नहीं, बीच में क्या होगा GDP होगा आपका, GDP माइनस घिसावट क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। सही कर लीजिएगा इसको, तो क्या होगा आंसर इसका NNP इज इक्वल टू GDP माइनस घिसावट होगा, GDP माइनस घिसावट, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कि सही इसमें होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है GNP MP इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों GNP मतलब क्या होता है, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, MP मतलब यहाँ पे मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो GNP MP इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपके ऑप्शन है GDP MP माइनस घिसावट, सेकेंड है GDP MP प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आए, ठीक है। और थर्ड है आपका GNP प्लस अनुदान, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों GNP MP इज इक्वल टू हो जाएगा आपका GDP MP प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय, ठीक है। विदेशों से शुद्ध साधन आय होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला है आपका NNP MP इज इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, NNP MP इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपके ऑप्शन है GNP MP माइनस घिसावट, सेकेंड है GNP MP प्लस घिसावट, थर्ड है GNP MP प्लस अप्रत्यक्ष कर, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों NNP MP इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे NNP मतलब क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये कैसे होगा, इसका कैसे निकलेगा, तो जब हम GNP MP माइनस घिसावट करेंगे तो आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि ग्रोस नेट प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस घिसावट करेंगे, यानी कि डिप्रेशंस करेंगे, तो आपका यह निकल के आएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या है NNP MP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GNP MP माइनस घिसावट। अगला आपका है घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है, ठीक है दोस्तों, घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है, तो आपके ऑप्शन है GNP MP, ठीक है, सेकेंड है NNP MP, थर्ड है NNP FC, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों घिसावट जो सम्मिलित रहता है वो आपका GNP MP पे होता है, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका घिसावट शामिल रहता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर आपका है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, सेकेंड है सकल निवेश, थर्ड है घरेलू आय, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर है राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, ठीक है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, तो आपके ऑप्शन है लगान मजदूरी ब्याज, सेकेंड है लगान मजदूरी वेतन, थर्ड है लगान लाभ ब्याज, और फोर्थ है लगान मजदूरी वेतन ब्याज और लाभ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, लगान मजदूरी वेतन ब्याज लाभ सारे के सारे क्या होते हैं आपके, राष्ट्रीय आय में शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है
अस्थाई पूंजी उपभोग को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, अस्थाई पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है पूंजी निर्माण, सेकेंड है मूल्यह्रास, थर्ड है निवेश, फोर्थ है इनमें से सभी। तो दोस्तों अस्थाई पूंजी के उपभोग को हम क्या बोलेंगे? तो मूल्यह्रास बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सही है? ओके दोस्तों, निम्न में से कौन सही है? तो आपके ऑप्शन है प्रयोज्य आय इज इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, सेकेंड है प्रयोज्य आय इज इक्वल टू निजी आय माइनस प्रत्यक्ष कर, थर्ड है प्रयोज्य आय इज इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस अप्रत्यक्ष कर, और फोर्थ है प्रयोज्य आय इज इक्वल टू निजी आय माइनस अप्रत्यक्ष कर। तो दोस्तों इसमें से आपका सही कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, प्रयोज्य आय इज इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। ठीक है, अगला है यदि किसी देश की विदेशी आय से प्राप्त निवल आय ऋणात्मक हो तो, ठीक है, यदि किसी देश की विदेशों से प्राप्त निवल आय ऋणात्मक हो तो क्या होगा? आपके ऑप्शन है घरेलू सकल घरेलू उत्पाद ग्रेटर सॉरी लेस देन सकल राष्ट्रीय उत्पाद, थर्ड है सकल घरेलू उत्पाद ग्रेटर देन सकल राष्ट्रीय उत्पाद, थर्ड है सकल घरेलू उत्पाद इक्वल टू जारी ग्रेटर देन इक्वल टू सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और फोर्थ आपका है सकल घरेलू उत्पाद इज इक्वल टू सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो दोस्तों यदि किसी देशों के विदेशों से प्राप्त निवल आय ऋणात्मक होगा तो उसका सकल घरेलू उत्पाद ज़्यादा होगा किससे? राष्ट्रीय उत्पाद से, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद ग्रेटर देन सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अगला है आपका किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहते हैं? ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है कुल राष्ट्रीय उत्पाद, सेकेंड है राष्ट्रीय आय, थर्ड है कुल घरेलू आय, और फोर्थ है विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो दोस्तों किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को हम सकल घरेलू आय बोलते हैं, यानी कि जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका डिफिनेशन है जीडीपी का, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ओके, अगला है निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है? निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन है वस्तु एवं सेवा कर, सेकेंड है निगम कर, थर्ड है आर्थिक सहायता, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से आपका जो राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है तो वस्तु या सेवा कर प्रभावित नहीं करता है, निगम कर प्रभावित नहीं करता, आर्थिक सहायता प्रभावित नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राष्ट्रीय आय को कोई इसमें से प्रभावित नहीं करता है। अगला है राष्ट्रीय आय का मापन किस विधि से किया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय आय का मापन किस विधि से किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, और ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उनमें से सभी। ठीक है, सभी के द्वारा हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। ओके, अगला आपका है राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा को, ठीक है, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है? ठीक है, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है एकल गणना, सेकेंड है दोहरी गणना, थर्ड है बहुल गणना, और फोर्थ में से कोई नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार जब शामिल करते हैं तो ये आपका दोहरी गणना कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है लाभ के निम्न से कौन घटक है? ओके दोस्तों, लाभ के निम्न से कौन घटक है? तो आपके ऑप्शन है अवितरित लाभ, सेकेंड है लाभांश, थर्ड है निगम लाभ कर, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, लाभ के सभी क्या है? घटक है। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? ओके दोस्तों, राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? आपके ऑप्शन है हस्तांतरण भुगतान, सेकेंड है शेयर एंड बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त राशि,
थर्ड है काले धंधे से प्राप्त राशि और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय में इनमें से किसी को शामिल नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके अगला आपका है ठीक है मैं कैबन कर लिए थे। अगला आपका है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, आपके ऑप्शन है पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, सेकेंड है मध्यवर्ती वस्तुओं और थर्ड है ए एंड बी दोनों और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं करते हैं, तो ए और बी दोनों को शामिल नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से किसके अनुसार मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्रश्न मैंने हम लोगों ने पहले भी किया है, कोई बात नहीं है, जब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो उसको रिपीट कर लेना चाहिए ठीक है। और यह क्वेश्चन आपको सिर्फ 15-16 में नहीं 2010 और 11 में भी पूछा है यह क्वेश्चन ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए दोबारा कर लेना, कोई हर्जाज नहीं है। तो क्या है निम्न में से किसके अनुसार मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करे, तो आपके ऑप्शन है हार्टले ब्रदर्स, सेकेंड है हार्ट्रे, थर्ड है प्रोफेसर थॉमस और फोर्थ है किन्स। तो दोस्तों मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करे, ये आपका स्टेटमेंट हार्टले ब्रदर्स का है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मुद्रा के गौण कार्य में किसे शामिल किया जाता है, ठीक है। मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, तो आपके ऑप्शन है स्थगित भुगतान की माप, सेकेंड है मूल्य का संचयन, थर्ड है मूल्य हस्तांतरण और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत सारे शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। मुद्रा के गौण कार्य सभी है ठीक है। नेक्स्ट आपका है निम्न में से किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, ठीक है। निम्न में से किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, तो आपके ऑप्शन है किन्स, सेकेंड है रॉबर्टसन, थर्ड है मार्शल, फोर्थ है हार्ट्रे। तो दोस्तों मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, यह स्टेटमेंट मार्शल का है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, ठीक है। निम्न से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, तो आपके ऑप्शन है विनिमय का माध्यम, सेकेंड है कीमत स्थिरता, थर्ड है मूल संचयन और फोर्थ है लेखा की इकाई। तो दोस्तों इनमें से कार्य नहीं है पूछा है, तो इसमें कौन सा कार्य नहीं होगा मुद्रा का, तो कीमत स्थिरता इसका कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा ठीक है। अगला है आपका मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया, ओके। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया है, आपके ऑप्शन है रैग्नर फ्रिस, सेकेंड है पॉल एंजिल, थर्ड है मार्शल और फोर्थ इनमें से सभी। तो दोस्तों मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन करने वाले पॉल एंजिंग है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और दोस्तों सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन फिलहाल इकोनॉमिक्स का नहीं है, बहुत जल्द आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा ठीक है, तो उसके लिए वेट कीजिए और बने रहें हमारे साथ। ओके।